ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 12 प्रयास संख्या 119। तुमने सुना किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हर किसी को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो और अच्छी सेवा कर सके। एक टीचर का काम, एक लीडर का काम प्रोत्साहन देने का है। ऐसा वो अपनी वाणी से और अपने चरित्र से, अपने एग्जाम्पल से करके दिखाता है। अक्सर ऐसा होता है कि प्रोत्साहन दिए जाने पर भी जो शिष्य हैं वो वैसा काम कर नहीं पाते हैं। ऐसे में हमने देखा है लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, डांट पिटाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के भी गुरु बनते हैं। और इस प्रकार से हमने सुना था कि किस प्रकार से चैतन्य महापुरुष ने किसी की सर्विस, सफाई सही से ना किए जाने पर उसको द्वेष रहित डांटा। द्वेष रहित का डांटने का मतलब है यानी कि ही वॉज टोटल इन कंट्रोल। यानी कि क्रोध जो है कई बार दिखाया जाता है, करा नहीं जाता है। उससे पता चलता है कि वो आदमी अगले ही क्षण में नॉर्मल होता है और सामने वाले के हृदय में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अक्सर हम जानवर सदृश हरकतें करने लगते हैं, इतना ज़्यादा डांट पिटाई कर देते हैं कि मुझे लगता है कि वो शिष्य या बच्चा वेट करता है कि एक दिन जो है ऐसा आएगा कि मैं उसका बदला ले पाऊँगा। धीरे धीरे वो अपने हृदय में उसको धारण कर रहा होता है और रख रहा होता है कि वन डे आई विल ऑल्सो गिव इट बैक। तो हम देखते हैं कि कई बार बच्चे बड़े होके वैसे ही सलूक माँ बाप के साथ करने लगते हैं। इससे हम ये नहीं कह रहे कि पिटने से बचना है तो ऐसा ना करो, लेकिन आप अपने बच्चे को नरक में डाल रहे हैं हम सब लोग, क्योंकि वो हृदय में कई सारी कटुताएँ लेके बैठ रहा है या शिष्य। तो हमारा आचरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इंस्पायर कर सकते हैं बस। अगर इंस्पिरेशन के बाद भी कोई ना करे तो द पॉइंट इज़ कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, कृष्ण की प्रॉपर्टी है। हम उस पर इतना अधिकार नहीं जमा सकते कि आपे से बाहर होकर हम मार पिटाई शुरू कर दें या इतना बुरा भला बोलना शुरू कर दें। बार बार इंस्पिरेशन के देने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति नहीं सीखता है तो हमें उसको समय पर छोड़ना पड़ता है। कई बार समय बहुत कुछ सिखा जाता है मनुष्य को। तो इस प्रकार से इंस्पायर करना, इंस्पायर करने के लिए नए नए तरीके सोचना, ये लीडर का काम है। लेकिन इंस्पायर करना बड़ा मुश्किल है, डांट डपट करना बहुत आसान है। इसलिए अक्सर लोग इंस्पिरेशन से बचते हैं, क्योंकि उसमें अपने को भी प्रस्तुत करना पड़ता है, अपने से भी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। इसलिए इंस्पायर करना सीखिए। चैतन्य महापुरुष या खुद एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसको इंस्पायर कर रहे हैं और चैतन्य महापुरुष से सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो जा रहा है। ऐसा लज्जित हो जा रहा है इसलिए भक्तों ने बड़े मनोयोग से काम करना आरंभ कर दिया। यानी कि इस प्रकार से उन्हें दंड दिया गया या इंस्पायर किया गया जिससे और ज़्यादा अच्छे से वो काम करने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि हम जब थोड़ा डांट डपट या कुछ करते हैं तो व्यक्ति और कोई सुधार नहीं आता दिखता, हमें परिवर्तन नहीं होता दिखता। तो इसलिए बड़ा पेशेंस की इसमें ज़रूरत है, अपने आचरण की ज़रूरत है। तबे प्रक्षालन कैल श्री जगन जगमोहन भोग मंदिर आदि तबे कैले प्रक्षालन। उन्होंने जगमोहन क्षेत्र की धुलाई की और इसके बाद जहाँ प्रसाद रखा जाता है वह स्थान धोया, फिर अन्य सभी स्थान भी धोए गए। नाट्यशाला धुई धुईल चत्वर प्रांगण पाकशाला आदि करी करील प्रक्षालन। इस तरह सभा भवन समूचे प्रांगण चबूतरों रसोई घर तथा अन्य कमरों की धुलाई की गई। हर जगह की धुलाई करी गई। मंदिरेर चतुर्दिक प्रक्षालन कैला सब अंतापुरा भाल मते धोया हीला। इस तरह मंदिर के चारों ओर के सारे स्थान भीतर और बाहर से धो दिए गए। तो हमने जैसा डिस्कस किया था, यहाँ पर जो धुलाई है वो हमारी आजकल की तरह धुलाई नहीं है कि ड्राइंग रूम के सोफे में, क्योंकि गेस्ट आएंगे वहीं के टेबल में गेस्ट आएगी तो वहाँ धो दिया, पीछे का कमरा रह गया, स्टोर रह गया, किचन रह गई, फ्रिज रह गया। जैसे आदमी पूरे कपड़े तो बदल लेता है लेकिन जुराबे नहीं बदलता है, क्यों? जुराबे तो जूते के अंदर है, कौन देख रहा है। उसी तरह हम लोग सब कुछ साफ तो कर देते हैं
लेकिन फ्रिज एक ऐसी अलमारी बन चुका है, फ्रिज एक अलमारी बन चुका है एक्चुअली। उसे बंद कर दो बहुत अच्छा, बाहर से बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर पता चलता है क्या है, कितने दिन से क्या सड़ रहा है। उसी तरह हमारे हृदय में भी कहाँ कहाँ पे क्या क्या सड़ रहा है, किस किस कोने में, तो हमें चतुर चारों तरफ से देखना पड़ेगा। समझ आया? हमें बड़ा ढूंढना पड़ेगा धूल को, जैसे इस वक्त एक एक कमरे में जाके धूल को ढूंढा जा रहा है और हर कमरे छत इत्यादि साफ की जा रही है, तो इसलिए हर जगह साफ कर दी गई। हेने काले गौड़िया एक सबुद्धि सरल, प्रभु चरण युगे दिल घट जल। जब पूरी तरह सफाई हो चुकी तो बंगाल से आए हुए एक अत्यंत बुद्धिमान एवं सरल वैष्णव ने आकर महाप्रभु के चरणों पर जल चढ़ाया। बताइए, अब ये तो अलाउड नहीं है, ये कैसे हो गया काम? चैतन्य महाप्रभु ऐसा करने नहीं देते थे, वो तो धुलाई करते करते कई लोग उनके पैरों से निकला जल, कई लोग है ना इस तरह काम कर रहे थे, लेकिन ये वैष्णव तो आया और आके महाप्रभु के चरणों पर जल चढ़ा दिया। सही जल लैया आपने पान कैला, तहां देखी प्रभुर मने दुख रोष हैला। तो उस गौड़ी वैष्णव ने उस जल को पी लेकर पी भी लिया, खुलेआम करा इसने। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ कुछ दुखी और बाहर से क्रुद्ध हुए। यद्यपि गोसाई तारे हैया छे संतोष, धर्म स्थापन लागी बाहिर महारोष। यद्यपि महाप्रभु उससे संतुष्ट थे हृदय से, किंतु उस धर्म के शिष्टाचार की स्थापना करने के लिए वो बाहर से क्रुद्ध हुए। हम सुनते हैं कि जो सम्मान है कई बार हमें बिगाड़ देता है, अक्सर बिगाड़ देता है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि अन्य सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, हमें सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। उपाधियाँ हमें मिलती हैं, सम्मान मिलता है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह का एक आचरण करके दिखाया ताकि हम लोग सीख सकें कि हाँ, इस प्रकार की चीज़ों को हम प्रोत्साहित ना करें। प्रतिपक्षालन इत्यादि वो बहुत ही सीनियर लेवल पे वैष्णव का करा जाता है हमारी संप्रदाय में, तो वहीं तक उसको सीमित रखें, उसको आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे हमारा अपना नुकसान हो सकता है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने वाले का तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन हमारा अपना नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है हमें भटका सकती है अपने रास्ते से। तो इसलिए महाप्रभु ने शिष्टाचार की स्थापना करने के लिए बाहर से क्रुद्ध हुए। शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कही लताहा रे, यही देख तो मारा गौड़िया रा व्यवहार। तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनसे कहा, जरा अपनी बंगाली वैष्णव का व्यवहार तो देखो। ईश्वर मंदिर मोरे पद धोयाईला, सही जल आपनी लैया पान कैला। इस बंगाली वैष्णव ने भगवान के मंदिर के भीतर मेरे पाँव धोए हैं, यही नहीं उसने जल भी पी लिया है। हाँ, भगवान के सामने मेरे पाँव धोए और जल भी पी लिया। क्या ये सही आचरण है इस व्यक्ति का? जैसे हम कहते हैं कि भगवान के सामने हम एक दूसरे को प्रणाम करना अवॉइड करते हैं ना, किसी कोने में जाके भक्त लोग छुप के प्रणाम कर लेते हैं, कोने में प्रणाम कर लेते हैं भगवान के ऑल्टर के सामने हम लोग, जब खुला होता है, लेकिन कई बार ये गलती हम कर देते हैं कि इसको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे तो उस व्यक्ति ने मंदिर के अंदर ही पाँव धो लिए, पी लिया। यही अपराध मोर कहाँ हबे गति, तोमार गौड़िया करे ए तक फैजती। मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होगी, तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे झंझट में फंसा दिया। तो ये वैष्णव का आचरण है, जब उसको इतना सम्मान मिल जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, क्या कर रखा है, बंद करो ये सब। हाँ, तो बड़े परेशान थे, जो भगवान के सामने चरण धो लिए गए, तो उन्होंने बोला कि आपके इस वैष्णव ने मुझे झंझट में डाल दिया है। यह महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, बंगाली वैष्णव तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव। इसका अर्थ हुआ कि चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के समस्त गौड़ीय वैष्णव अनुयायी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा का दृढ़ता से पालन करते हैं। स्वरूप दामोदर जो है निजी सचिव थे चैतन्य महाप्रभु के, और छह गोस्वामियों को हम जानते ही हैं, कृष्णदास कविराज जो चैतन्य चरितमृत का रचयिता है उनको हम जानते हैं। चैतन्य संप्रदाय की परंपरा का पालन करना आवश्यक है, इन सारे लोगों का पालन करना आवश्यक है। भगवान की सेवा करते समय अनेक प्रकार से अपराध हो सकते हैं, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ी डिटेल में मिलता है। विधानों के अनुसार भगवान के मंदिर में अर्च वगैरह के समय किसी प्रकार नमस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात बड़ी समझनी बड़ी आवश्यक है, कई बार रोका ही नहीं जा पाता किसी को, समझा समझा के भी लोग ऐसा कर देते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए।
किसी प्रकार का नमस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए, ना ही अर्च विग्रह के समक्ष भक्त गुरु को नमस्कार करे और उसका चरण छुए, यह अपराध माना जाता है। चरण तो हम लोग छूते ही नहीं है एनीवे। तो कई बार आपके कुछ नए नए लोग आते हैं, वो चरण छूने को तैयार हो जाते हैं। आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि नए लोगों को ये पहले से ट्रेनिंग दी जाए कि चरण नहीं छूने हैं। पहली बात तो ये, वो व्यक्ति आया ही है, उसका कमिटमेंट क्या है, अभी कहाँ उसकी सरेंडर है जो चरण छूने को तैयार हो रहा है। ये चरण छूना जो है, इसको बोला गया खास तौर पे मंदिर में भगवान के सामने तो बिल्कुल नहीं। तो भगवान के सामने ना तो प्रणाम किया जाए एक दूसरे को, हाँ भगवान के सामने नहीं। तो हम भगवान के सामने गरुड़ देव को प्रणाम करते हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और भगवान की डीटीज को प्रणाम करते हैं। यदि वैष्णव को प्रणाम करना है तो क्या कीजिए, या तो उसी वक्त अगर कहीं बाहर जाने की ऑप्शन है तो, नहीं तो जैसे ही मंदिर से बाहर निकलें तो मन में होना चाहिए हाँ मैंने आज प्रणाम नहीं किया, अभी तक नहीं किया। जैसे ही बाहर निकलें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं अब तो हम एक घंटे से एक साथ हैं, अब क्या है, हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए हमने किसको प्रणाम नहीं किया, और जैसे ही बाहर निकलें फिर से प्रणाम कर दें। तो अर्च वगैरह के समक्ष नहीं कही, अपराध माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, अतः मंदिर में उनका पाद प्रक्षालन कोई अपराध थोड़ी था। वो तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे और उन्हीं के घर में उनके चरण धोए गए, तो ये अपराध नहीं था। किंतु वे एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मानते हुए वो ये शिक्षा दे रहे थे कि गुरु की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को भी अर्च विग्रह के समक्ष ना तो नमस्कार स्वीकार करना चाहिए, ना ही अपने शिष्य को अपना पांव धोने देना चाहिए, यही शिष्टाचार है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार इतने सारे लोगों में इसको रोक पाना, तो हम क्यों ना इस आचरण का पालन करें। और कोई कभी करे दिखे तो उसको बड़े प्यार से समझाएं, डांटे ना कि आपकी भावना बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से करना अनुचित है, क्यों ना ये काम हम बाहर जाके करें। तब स्वरूप गोसाई तार घाड़े हाथ दिया, ठेका मारी पूरी र बाहिर राखी ले न लैया। तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गौड़ी वैष्णव की गर्दन पकड़ ली और उसे धक्का देकर गुंडीचा पूरी मंदिर से बाहर कर दिया और उसे बाहर ही रहने दिया। तो अगेन हम नकल नहीं मार सकते, जैसे कि हमने चैतन्य महाप्रभु का सुना कि उन्होंने अद्वैत आचार्य के मुक्के मारे, हम कहेंगे हम भी कोई मायावादी प्रचार कर रहा होगा तो जाके घूंसे मारेंगे। देखिए ध्यान रखिए, जब भगवान किसी को मारते हैं तो वो भगवत धाम चला जाता है, चाहे चाहे वो मुक्ति को ही क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन इस संसार से निकल जाता है। उसी प्रकार से गुरु ऐसे महान भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद कई बार बहुत जोर से डांट देते थे, इनके डांटने के बाद भी व्यक्ति घूम फिर के वापस आ जाता है, हम यदि ऐसा करेंगे तो हम अपराध कर देंगे, तो हमें इनका अनुकरण नहीं करना है। स्वरूप दामोदर जो है हम जानते हैं कि स्वयं ललिता सखी उनको उनको हम बोलते हैं, ही वॉज वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ कृष्णा। तो उनको ये करना जो है उनके लिए करना एक अलग चीज़ है, हमारे लिए करना बहुत ही अलग चीज़ रहेगी। पुनः आसी प्रभु पाए करी या विनय करी ला विनय अज्ञा अपराध क्षमा करी ते यू आया। मंदिर में वापस आकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी कि वे उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दें। देखिए ये करना हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए बोला हमें नहीं करना चाहिए, अभी उसको दंड दिया और अभी अंदर आके उसके लिए क्षमा मांग रही, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के सामने उनको संतुष्ट करने के लिए उसको दंड दे दिया, एक एक स्थापना करने के लिए, नियम की स्थापना करने के लिए। सबने देखा, गर्दन पकड़ी उठा के बाहर, अब अगली बार कोई हिम्मत नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि प्रेम से कोई सुनता ही नहीं है ना, है ना, तो टीचर कई बार गरजता है जस्ट डराने के लिए सबको, कई बार गरजना जरूरी होता है और सब लोग कहते हैं हाँ भैया अभी तक तो आराम से बोल रहा था, अब ऐसा बोला अब नहीं करेंगे। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया और अंदर आते ही उसके लिए क्षमा मांग ली, इसको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। इसको कहते हैं इसको कहते हैं कि द्वेष रहित दंड, इसमें द्वेष नहीं है। जैसे पति पत्नी में हम कई बार देखते हैं कुछ आपस में कहासुनी हो जाती है, द्वेष है कि नहीं कैसे पता चलता है, मेरे पास आते हैं प्रभु जी इन्होंने मेरे से 2 दिन से बात नहीं करी, अरे आपस में झगड़ लिए सब कुछ हो लिया उसके बाद बात नहीं कर रहे हैं, द्वेष हृदय में बैठा हुआ है। हाँ जबकि भक्त को कैसा होना चाहिए, एक कहते हैं ना अगर भक्त को गुस्सा भी आए तो जैसे टिन होता है ना, टिन एकदम से गर्म हो जाता है, हाँ एकदम से गर्म तो नहीं होना है लेकिन टिन की तरह एकदम से ठंडा जरूर हो जाना है, उसके ऊपर से आग हटाओ और 2 मिनट में ठंडा हो जाता है। या हमने उदाहरण सुना था कि कई बार बकरियाँ लड़ती हैं
दूर से आती हैं, एक उस उधर से 1 किलोमीटर दूर, एक इधर उनका गेम देखते हैं लोग, भागते 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 आती है, दोनों एक दूसरे पे सर ठुकर टकराती हैं आपस में, और सर टकराने की जोर से आवाज आती है ठाक से, ऐसा लगता है सर फट गया, लेकिन बड़ा मजबूत सर होता है ना, तो सर आके ऐसे टकराती हैं, ऐसा लगता है कि जन्मों की दुश्मन है एक दूसरे की, मतलब सर से ही फोड़ देंगे एक दूसरे को। और थोड़ी देर में कोई आदमी आ गया टट 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 और इधर उधर चल के घास चरने लगती हैं, बताइए ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए, अगर कुछ हो भी गया तो तुरंत थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाँ केकई का रोल बड़ा भाता है, काफ़ी समय तक एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं जी नाराज हैं, तो बड़ा ही नॉर्मल। जैसे हमने सुना था परशुराम का एग्जांपल, कि परशुराम के पिता ने कहा जमदाग्नि ने कि मार दो इसको, इस स्त्री को, क्योंकि ये चरित्रहीन है, हाँ चाहे तुम्हारी माई क्यों नहीं है। उन्होंने कहा जी पिताजी, और इन भाइयों को भी मारो क्योंकि ये मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। उन्होंने लिया फरसा, गर्दनें काट दी, बताइए हाँ माँ की भाइयों की, और गर्दन काटती, पिताजी शांत हो गए, बोला पिताजी इनको माफ़ कर दीजिए, इनको फिर से जिंदा कर दीजिए, आपके पास ताकत है, और पिताजी ने प्रसन्न होकर उनको फिर से जिंदा कर दिया। तो इस प्रकार से एक भक्त हृदय में कुछ नहीं रखता है, कहने का मतलब है हाँ, उन्होंने उसको गर्दन पकड़ के बाहर किया। अब कह रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दें, लेकिन ये तभी हो पाता है जो अबोध व्यक्ति, अगर गर्दन पकड़ने पर वो व्यक्ति ऐसे करता, गर्दन मत पकड़ो प्रभु, बहुत हो गया, अभी तक बहुत सुना मैंने आपकी, इतना नहीं चलेगा। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा कई बार नहीं, ऐसा मुझे लगता है हमेशा ही होता है सामने वाला एकदम से तो क्योंकि सामने वाला एकदम विनम्र बना रहा, एकदम से हृदय पसीज जाता, यानी कि हमारा पश्चाताप बड़ा करना जरूरी है, हमारी सरलता से, हमारी पश्चाताप से ही हम हृदय को पिघला सकते हैं, इस तरीके से नहीं। हाँ आपने, आप फिर बोलोगे मैंने भी कर दिया, बहुत दिखता था, हर किसी से सुनता था, ये आदमी सबको डांटता है, मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, ऐसे ऐसी बातें सुनी होगी आपने अक्सर, आई गेस कई लोग ऐसा करते हैं, मैं सुनने वाले में से नहीं हूँ, उसको तो सुना दिया, मैंने कर दिया उसका आज काम, और दूसरों से बुलाएंगे, दूसरे सभी बड़े प्रसन्न होंगे, सभी को बड़ी हर्ष होगा। तो यहाँ पर कुछ और हुआ, यहाँ पर वो व्यक्ति शांत रहा, जैसे मुकुंद शांत रहे, जैसे कितने एग्जाम्पल आते हैं, व्यक्ति शांत बने रहे, इस कारण से क्या हुआ, तुरंत जो है उनके लिए उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दें। तवे महाप्रभुर मने संतोष हईला, सारी करी दुई पाशे सबर वसाइला। इस घटना के बाद चैतन्य महाप्रभु को परम संतोष हुआ, तब उन्होंने सारे भक्तों को 2 पंक्तियों में दोनों ओर बैठ जाने को कहा। तो इस प्रकार से कैसे वैष्णव को वैष्णव का संतोष, उनके हृदय की प्रसन्नता हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात का, हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग, हम लोग जप कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव के हृदय में क्या चल रहा है उसके लिए हम जरा भी सचेत नहीं है। इतना वैष्णव ग्रंथ सुनने के बाद भी आज भी हम लोग क्या करते हैं, आज भी हम लोग वैष्णव का हृदय दुखा भी देते हैं तो उसके बाद हमारे हृदय में ग्लानि नहीं होती है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कैसे हम वैष्णव को प्रसन्न कर पाएँ, लेकिन यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल मिला, आपने देखा कैसे स्वरूप दामोदर ने किया, पहले चैतन्य महापुरुष को प्रसन्न करने के लिए, और फिर उस वैष्णव को जिसकी उनकी गर्दन पकड़ ली थी एक तरह से, उसको प्रसन्न करने के लिए भी उन्होंने चैतन्य महापुरुष से सिफारिश करी, और उसके बाद चैतन्य महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए इस घटना से, और भक्तों को 2 लाइनों में बैठने को बोल दिया। क्या लाइनों में आप प्रसाद बांटने जा रहे हैं क्या? हाँ बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं लोग, बालू उठा रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, अब तो प्रसाद का टाइम ऐसा लगता है, देखते हैं। आपने वसिया माझे आपन आ रहा थे, तिरण कांग कार कुटा लागीला कुड़ाई थे। तब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए प्रसाद के लिए, और सभी तरह के तिनके बालू के कण और गंदी वस्तुएं चुनने लगे। ओहो फिर से काम खत्म नहीं हो रहा है, झाड़ू लग चुकी है, पोंछा भी लग चुका है, पानी से धो दिया जा चुका है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु को वहां पर बालू तिनके के कण दिख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है कि हमें अक्सर लगता है कि मेरी गलती नहीं है, ये भी आप लोग आई थिंक रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि मेरी गलती तो है ही नहीं, मेरा हृदय साफ हो चुका है, हाँ लेकिन बहुत गंदगी फिर भी होती है, इससे हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हम गंदगी देखते नहीं हैं तो हम साफ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कैसे हम अपने साफ हृदय में, सो कॉल्ड साफ हृदय में गंदगी
यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु साफ जगह से भी गंदी वस्तुएं चुनने लगे। केकत्र कुड़ आए सब एकत्र करीबा, यार अल्प तार ठाई पीठा पाना लईबा। तिनके तथा बालू के कण चुनते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं हर एक के कूड़े को एकत्र करूंगा और जिसका कूड़ा कम होगा उसे कहूंगा कि वह जुर्माना के रूप में मिठाई तथा खीर दे। वाह 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 वा। बढ़िया है। अब मिठाई तो मिठाई ठगू के लड्डू तो काम नहीं चलेगा, मिठाई तो खुद ही बनानी पड़ेगी, हलवाई से ला के काम नहीं चलेगा। अब मेहनत लगेगी उसमें, कई लोगों को आती नहीं होगी। प्रेम भी दिखता है और दंड भी दिखता है। एई मत सब पूरी करिल शोधन, शीतल निर्मल कैला ये निज मन। इस तरह गुंडीचा मंदिर के सभी कमरे पूरी तरह स्वच्छ हो गए। सारे कमरे ठंडे तथा स्वच्छ थे, मानो निर्मल तथा शांत मन हो। यहाँ पे कृष्णदास कविराज कैसे करें कि हमारा मन कैसे निर्मल और शांत और ठंडा हो जाता है। उसके लिए हमें ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर डालना नहीं पड़ता है, वो अंदर से बड़ा स्वच्छ हो जाता है। यानी कि कोई चीज़ अगर बड़ी साफ हो जाती है तो बड़ी ठंडक सी हो जाती है कि नहीं? जैसे हम कई बार झाड़ू पोछा ढंग से लगा लेते हैं तो ठंडक सी रहती है, तो वो तो भारी चीज़ है। हमारा मन भी बता रहे हैं ऐसे ही ठंडा हो जाता है। तो हमारे मन में इतनी गर्मी क्यों है? दिमाग में, मन